फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ज्योग्राफी भूगोल से संबंधित अध्याय 8 यानी चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है जल संसाधन। इससे पिछले के वीडियो में हमने हिस्ट्री के 2 लेसन कंप्लीट पढ़ लिए थे। पहला और दूसरा जो लेसन था हिस्ट्री का वो पढ़ लिया था। अब हम ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के जो चैप्टर है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, क्लास 10th एसएसटी के अंदर अध्याय 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये जो 6 लेसन है ये भूगोल से संबंधित है। ये लेसन किसके हैं? भूगोल के, ज्योग्राफी के लेसन है। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां ये 6 लेसन। तो 8वां जो लेसन है जिसका नाम है जल संसाधन, इसमें से बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, यानी ये लेसन है वो 2 नंबर का है। और प्लस इसी लेसन में से एक मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 1 नंबर का। तो टोटल ये पार्ट है वो आपके 3 अंक का हो जाएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक मानचित्र से संबंधित स्थान पूछा जाएगा। देखिए, जल संसाधन है तो सबसे पहले देखिए, जल एक प्राकृतिक संसाधन है। जल एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन है। संसाधन किसे कहते हैं? पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं या पदार्थ जिनसे हमारी आवश्यकताओं की क्या होती है? पूर्ति होती है। जो हमारे लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। क्या होते हैं? उपयोगी, जिनको हम अपने जीवन में उपयोग में लेते हैं, काम में लेते हैं, जिनसे हमारी आवश्यकताओं की क्या होती है? पूर्ति। उसको क्या कहते हैं? संसाधन। तो जल है, जल से भी हमारी आवश्यकता की क्या होती है? पूर्ति है, पूर्ति होती है, क्योंकि जल के बिना तो कुछ भी नहीं है। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, यानी जल है तो ही कल है और जल ही जीवन का आधार है। इसलिए जल भी एक महत्वपूर्ण क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है। जल नवीनीकरण संसाधन है। कैसा संसाधन है? नवीनीकरण संसाधन है, यानी जल का पुनः चक्रण के द्वारा नवीनीकरण होता रहता है। कि जो जल होता है सागरों में, समुद्रों में, नदियों में, झीलों में, ये जल वाष्प और संचयन की क्रिया के द्वारा वायु के साथ इनसे ऊपर उठकर कहां चला जाता है? बादलों में। और बादलों में फिर संघनन की क्रिया के द्वारा जल है वो वर्षा की बूंदों के रूप में परिवर्तित होकर वापस कहां आ जाता है? धरातल पर आ जाता है। और धरातल पर आने के बाद में ये नदी नालों के द्वारा वापस वही उन्हीं महासागरों में, तालाबों में, समुद्रों में, नदियों में, झीलों में चला जाता है। इस प्रकार जल एक क्या है? पुनः चक्रण के द्वारा एक नवीनीकरण संसाधन है, यानी इसको वापस नवीनीकरण किया जा सकता है, नवीनीकरण हो जाता है। अब देखिए, संपूर्ण जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी के 3/4 भाग पर, 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। यानी हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी है, जैसे मान लो ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी है, इस संपूर्ण पृथ्वी के 3/4 भाग पर क्या पाया जाता है? जल। यानी लगभग 71% भूभाग पर क्या पाया जाता है? जल। और केवल 29% भाग है यही क्या है? स्थल, स्थलीय भाग। और ये 71% जो भाग है ये क्या है? जलीय भाग। यानी संपूर्ण पृथ्वी के 3/4 भाग पर क्या पाया जाता है? जल। यानी लगभग कुल जो 100% पृथ्वी है, भूमि है, उसके 71% भाग पर क्या पाया जाता है? जल ही जल पाया जाता है। केवल 29% भाग ही स्थलीय भाग है, जिसमें मनुष्य निवास करता है। आप देखिए, कुल जो ये 71% जल है, कुल जल का 97% भाग
महासागरों में पाया जाता है, जो लवणीय जल है। कैसा जल है? लवणीय जल है अथवा खारा जल है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये अनुपयोगी जल है, जिसको हम उपयोग में नहीं ले सकते। कुल जो जल है उसका कितना 97% भाग, कितना 97% भाग जो जल है या 97% जल है वो महासागरों में पाया जाता है। और वो जल कैसा है? लवणीय जल है, जिसमें नमक की मात्रा है। खारा जल है, अनुपयोगी जल है, जिसको हम उपयोग में नहीं ले सकते। केवल शेष कितना बचा? केवल शेष 3% जल ही उपयोगी है, यानी अलवणीय जल है। अलवणीय जल, उपयोगी जल जिसको हम कह सकते हैं, उसकी मात्रा कितनी है? 3% मात्र, वो मात्र 3% जल का ही हम उपयोग कर सकते हैं। और इस 3% जल में से भी ये हमारा कुल 3% क्या है? उपयोगी जल है। इसका भी गुण 70% बार हिमनद के रूप में जमा है। हिमनद का मतलब बर्फ के रूप में। और इस 3% का 30% जल है वो भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। भूमिगत का मतलब जमीन के अंदर। और केवल मात्र 1% जल है जिसका उपयोग कौन करता है? मानव उपयोग करता है। किस रूप में? कृषि के रूप में, पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में और अन्य आर्थिक क्रियाओं में। तो ये हमारे सामने जल की स्थिति है कि कुल जल का 97% भाग जल है वो महासागरों में पाया जाता है, जो लवणीय जल है, जो अनुपयोगी जल है, किसी काम का नहीं है। केवल शेष 3% जल ही क्या है? उपयोगी है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उस 3% जल का भी, यानी ये 3% जो जल है इसका भी गुण 70% भाग है वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनदों या बर्फ के रूप में जमा है। बर्फ के रूप में क्या है? जमा है। और इस 3% उपयोगी जल का 30% जो जल है वो भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, जमीन के अंदर पाया जाता है। केवल 1% जल है वो ही सतही जल है, सतह पर उपलब्ध जल है, जिसका मानव क्या करता है? उपयोग, यानी मानव के काम में आने वाला केवल 1% जल है, जिसका उपयोग मानव कृषि के रूप में, पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में या आर्थिक क्रियाओं में इसका उपयोग करता है। ये वर्तमान में जल की क्या है? स्थिति है। तो इसलिए हमारा एक दायित्व बनता है कि जल की इस मात्रा को देखते हुए, जल की स्थिति को देखते हुए जल का हमें उचित प्रबंधन करना चाहिए, जल का उचित हमें संरक्षण करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही जल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए जल का हमें उचित उपयोग करना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही हमें जल का उपयोग करना चाहिए। आप देखिए जल का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, जल का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। तो जल का प्रबंधन बड़े स्तर पर करने के लिए बहुदेशीय जल परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है।
बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है। बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं, तो देखिए बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं किसे कहा जाता है? ऐसी परियोजनाएं जिनसे एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। कई उद्देश्यों की क्या होती है? पूर्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। तभी तो नाम क्या है? बहु यानी बहुत सारे उद्देश्यों की क्या होती है? पूर्ति। ऐसी परियोजनाओं को हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं कहा जाता है। ऐसी परियोजनाएं जिनसे एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। देखो बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं से कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति होती है? जैसे सिंचाई करने के उद्देश्य की पूर्ति होती है, जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं हम, पेयजल की आपूर्ति यानी पीने के जल की आपूर्ति कर सकते हैं, औद्योगिक जल की पूर्ति कर सकते हैं, उद्योगों में काम में आने वाले जल की पूर्ति कर सकते हैं, बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं जल का प्रबंधन करके, सूखा का प्रबंधन कर सकते हैं बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के द्वारा, और इसके अलावा मछली पालन कर सकते हैं, मछलियां पाल सकते हैं, इसके अलावा नौ संचालन कर सकते हैं यानी नावे चला सकते हैं, यानी एक साथ इतने उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यानी बहुउद्देशीय जल परियोजना यानी जल का प्रबंधन करके, जल को इकट्ठा करके इसके अंदर बांध, जैसे बांध एक क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है, ये उदाहरण है इसका। बांध एक क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। बांध किसे कहते हैं? प्रवाहित जल को रोकने या दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए जो बाधा खड़ी की जाती है, उसे बांध कहा जाता है। जैसे मान लो ये जल बह रहा है, अब इस जल को या तो हमें यहीं पर रोकना है, तो इसके लिए हम यहां पर क्या बढ़ा देंगे? बांध बनाकर इस जल को यहां पर इकट्ठा कर लेंगे यहां पर। या फिर मान लो जैसे इस जल को, जल की दिशा परिवर्तित करनी है, दिशा बदलनी है, तो यहां पर हम दीवार खड़ी कर देंगे, है ना। अब इस बांध को अगर आपको इधर ले जाना है, इस जल को इधर ले जाना है, तो इधर ले जा सकते हैं, यानी दिशा बदलती ना इसकी, इधर ले जाना तो इधर ले जा सकते हैं। या फिर मान लो जल स्पीड से बह रहा है, तो इसकी गति हमें कम करनी है, बहाव को कम करना है, तो इसके लिए हम दीवार खड़ी करके, दीवार पर या जगह जगह बांध के क्या बना देंगे? गेट बना देंगे, द्वार बना देंगे, जिससे ये पानी इस दीवार से टकराएगा, तो टकराने से इसकी इसका जो बहाव है वो क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। तो इस प्रकार बांध की परिभाषा क्या है कि प्रवाहित जल को रोकने या दिशा देने या बहाव कम करने के लिए हम जो बाधा खड़ी करते हैं उस जल के, उसी को हम क्या करते हैं? बांध कहते हैं। बांध एक क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। और फिर इस बांध में ये जल इकट्ठा करके हम इतने सारे कार्य कर सकते हैं। एक तो बांध में इतनी जो जल है उसे हम सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई के समय जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, टरबाइन पर पानी को गिराकर विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, पेयजल की आपूर्ति बांध से
जिन क्षेत्रों में जल की कमी होती है वहां पर हम पीने का पानी उपलब्ध करवा सकते हैं। औद्योगिक जल की आपूर्ति, उद्योगों में बड़ी मात्रा में जल की क्या होती है आवश्यकता होती है तो उन उद्योगों में जल पहुंचा सकते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं, अचानक तेज बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को हम बांध में इकट्ठा करके बाढ़ पर क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। सूखा का प्रबंधन, जैसे मान लो किसी समय अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया तो उस समय बांध में एकत्रित जो जल है उसका उपयोग करके सूखा का प्रबंधन कर सकते हैं। मछली पालन करके रोजगार दे सकते हैं। नौ संचालन, नाव का संचालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं से हमारे अनेक उद्देश्यों की क्या होती है, पूर्ति होती है। और इन्हीं बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को, बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर बताया था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को क्या बताया था, तो आधुनिक भारत के मंदिर बताया था। तो इस प्रकार बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं से एक साथ अनेक उद्देश्यों की क्या होती है, पूर्ति होती है। और इससे हम जल का उचित प्रबंधन भी कर सकते हैं, जल को नियंत्रित कर सकते हैं, जल का संरक्षण भी कर सकते हैं और हमारे कई उद्देश्यों की हम पूर्ति कर सकते हैं। आप देखिए हमारे देश में कुछ बहुउद्देशीय जो जल परियोजनाएं हैं उनका संचालन तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, यानी उनका निर्माण और रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। और कुछ बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं ऐसी है जिनका निर्माण और रखरखाव का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो देखो केंद्र सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित यानी जिनका संचालन कौन करती है, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब देखो इधर तो आ जाएगा बहुउद्देशीय परियोजना का नाम और स्थित नदी, यानी किस नदी पर वो स्थित है और स्थित राज्य, किस राज्य में वो परियोजना स्थित है। तो देखो सबसे पहली है हमारे देश की सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो है भांगड़ा नांगल परियोजना। भांगड़ा नांगल जो परियोजना है ये है सतलज नदी पर, किस नदी पर है, सतलज नदी पर। और किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब, क्योंकि भांगड़ा बांध है वो तो हिमाचल प्रदेश में है और नांगल जो बांध है वो पंजाब के रोपड़ जिले में है। दूसरी है दामोदर घाटी परियोजना, ये है आपके दामोदर नदी पर और ये है पश्चिम बंगाल प्लस झारखंड, इन दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। फिर उसके बाद में तीसरी आपके रिहंद परियोजना, ये है रिहंद नदी पर और ये है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में।
राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में चौथी है आपके हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना यह है आपके महानदी पर और कौन से राज्य में है, उड़ीसा राज्य में। महानदी को उड़ीसा का सोख भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में है आपके कोसी परियोजना, ये है आपके कोसी नदी पर बिहार राज्य में और कोसी नदी को बिहार का सोख भी कहा जाता है। फिर आपके टिहरी परियोजना और यह है किस नदी पर, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में, कौन से राज्य में है, उत्तराखंड। तो ये ऐसी बहुत सी परियोजनाएं जिनका संचालन कौन करती है, केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार के अंडर में, केंद्र सरकार के नियंत्रण में। भांगड़ा नांगल परियोजना स्थित नदी यानी किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, कहां पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। रेंद परियोजना रेंद नदी पर है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, कौन से राज्य में, उड़ीसा में। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, कौन से राज्य में, बिहार में। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर है और कौन से राज्य में, उत्तराखंड। तो ये तो वो परियोजना है जिनका संचालन कौन करती है, केंद्र सरकार। अब ऐसी भी राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजना है कौन कौन सी, देखो राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजना है जिनका संचालन कौन करती है, राज्य सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजना वही हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजना का नाम, स्थित नदी यानी किस नदी पर स्थित है और कौन कौन से राज्य है स्थित, राज्य किन किन राज्यों में स्थित है। तो सबसे पहले देखो लिखते हैं चंबल घाटी परियोजना किस नदी पर है, चंबल नदी पर है। इसमें कौन कौन से राज्य है, इसमें ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। फिर बाद में नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना ये है आपके वर्तमान कृष्णा नदी पर है, किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर और कौन से राज्य में है, तेलंगाना राज्य में। फिर तीसरी है तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है, तुंगभद्रा है वो कृष्णा नदी की ही सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी और ये परियोजना है आपके कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना। उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना यह है आपकी नर्मदा नदी पर, किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर और यह है आपकी गुजरात मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद माही परियोजना, माही जो परियोजना है ये माही नदी पर है, माही नदी पर और इसमें दो राज्य है यानी दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है गुजरात प्लस राजस्थान।
गुजरात और राजस्थान की संयुक्त योजना है। उसके बाद फरका परियोजना, ये है गंगा नदी पर कापर पश्चिम बंगाल में। फिर उसके बाद में है मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना है ये मयूराक्षी नदी पर है और ये भी आपके कहाँ है पश्चिम बंगाल में। फिर आपके गंडक परियोजना, ये गंडक जो गंगा की सहायक नदी है गंडक नदी पर है, कहां पर है बिहार प्लस उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद में एक है आपके मत्स्य कुंड परियोजना, ये है मत्स्य कुंड नदी पर और ये है आपके उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना। तो ये कुछ ऐसी बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं हैं जिनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जिनका निर्माण रखरखाव है वो राज्य सरकार करती है। तो देखो कौन कौन सी, सबसे पहले है चंबल घाटी परियोजना या चंबल परियोजना, किस नदी पर है ये, चंबल नदी पर है। कौन कौन से राज्य इसमें, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है, दोनों राज्यों की हिस्सेदारी है इसमें। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर बांध बना हुआ है और किस राज्य में है, तेलंगाना राज्य में। तुंगभद्रा परियोजना, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, उस पर स्थित है, इसमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी है, दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना, ये नर्मदा नदी पर स्थित है और इसमें गुजरात मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों की हिस्सेदारी है, तीनों की संयुक्त परियोजना है ये। माही परियोजना, ये माही नदी पर स्थित है, माही नदी पर बांध है और इसमें गुजरात और राजस्थान की संयुक्त हिस्सेदारी है, दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। फरका परियोजना गंगा नदी पर है, किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी परियोजना, ये मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है, इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये। मत्स्य कुंड परियोजना, ये मत्स्य कुंड नदी पर है, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो ये ऐसी परियोजनाएं हैं, और भी कई ऐसी परियोजनाएं हैं देश के अंतर्गत, लेकिन ये परियोजनाएं जो हमारे सिलेबस में दी हुई है वो परियोजनाएं, इसके अलावा भी बहुत सारी बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं हैं जिनका संचालन कौन करती है, राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार का द्वारा ही उनमें पानी छोड़ा जाता है सिंचाई के लिए, राज्य सरकार के अधिकार और नियंत्रण में है और इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के अंदर बांधों का निर्माण करके फिर उनसे सिंचाई की जाती है, जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। दूर दराज के शहरों में जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर नहरों के माध्यम से, पाइपलाइनों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है, नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है और टरबाइन पर जल को ऊपर से ऊंचाई से गिराकर जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है और अतिरिक्त जल को बांध में इकट्ठा करके बाढ़ पर नियंत्रण भी किया जाता है। अकाल के समय या सूखा के समय जल की सुचारू रूप से आपूर्ति भी की जाती है। तो इस प्रकार इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमें अनेक उद्देश्यों की पूर्ति भी होती है, हमारे उद्देश्यों की भी पूर्ति होती है और साथ साथ में जल का उचित प्रबंधन और संरक्षण भी होता है। इसीलिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की क्या दी थी, संज्ञा दी थी। अब इसके बाद में हम भारत की प्रमुख जो बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।